नंबर टू देखिए बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज, इसके हमारे चार पार्ट है ए बी सी डी। फर्स्ट पार्ट है ए, 10 राइट एंगल्स। ये कह रहा है कि आप एक पॉलीगॉन है, ठीक है, उसमें 10 एंगल्स हैं। कितने? 10। और 10 एंगल कौन से? राइट एंगल्स हैं, मतलब 10 एंगल्स हैं और हर एंगल 90 का है, तो कितने हो गए? 900 हो गया बेसिकली उसका सम, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये कह रहा है कि आप जो है उसके उसमें कितनी साइड्स हैं, वो साइड्स आप निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इतना। तो आपको सबसे पहले आप क्या लिखना है, देखिए आप इसको कैसे करेंगे, आप बोलोगे सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इतना, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है, कितना दे रखा है? 10 राइट एंगल्स, ठीक है। अब देखिए, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, आप दोबारा से आ जाइए पेज नंबर 155 पे। तो फॉर्मूला होता है n माइनस 2, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई 180, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसकी जगह हमने फॉर्मूला डाल दिया यहाँ पे, इसकी जगह पे ये डाल दिया 10 राइट एंगल्स, मतलब 10 राइट एंगल्स, मतलब राइट एंगल होता है 90 का एक, 10 राइट एंगल्स मतलब इस तरीके से आपको कर देना है। तो इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, देखो 180 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, 180 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, एक काम करो उसको मल्टीप्लाई मत करो, बाद में एक काम कर लेना, इसको ऐसे लिखो, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, अभी अब इसको कर लो 900। सो 180 को बॉर्डर पार करा दो, पहले इसको ऐसे लिखो, 180 को बॉर्डर पार करा दो, तो 180 का इस पूरे के साथ रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का, तो बॉर्डर पार करेगा तो ऑटोमेटिकली हम समझ गए डिवाइड में जाएगा, जीरो से जीरो कट गया। 18 का टेबल पढ़ोगे 90 आ जाए, आता है बच्चों? 18 का टेबल पढ़ोगे 90 आ जाए, 18 अगर मैं बात करूँ 18 की, चलो ठीक है, नहीं आ रहा ना मैं टेबल, कोई बात नहीं, मुझे टेबल आते भी नहीं है बच्चों, आप भी सोचोगे कैसे सर है टेबल ही नहीं आते, कोई बात नहीं, 3 से काट लेंगे, 3 का टेबल तो आता है मेरे को, 3 6 18, 3 4 नॉट 3 4 3 3 0 0 3 3 0 0, ठीक है, अब 6 से काट लेंगे, 6 5 30, समझ में आ गया, 6 5 कितने होते हैं? 30 होते हैं। सो n माइनस 2 इक्वल्स टू आ गया हमारा 5, सो n कितना हो गया? 5, 2 को बड़ा पाकर आएंगे, प्लस का 2 इक्वल्स टू 7, तो टोटल नंबर साइड कितने हो गए? हैंस टोटल साइड्स कितने हो गए बच्चों? ये हो गई हमारी 7, ये हमारा आंसर हो गया, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे। बी पार्ट देखिए बच्चों, 720 डिग्री है सम, ठीक है, तो मैंने इसको रब नहीं किया क्योंकि मुझे दोबारा लिखना पड़ता। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन कितना दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है 720 डिग्री, इससे पहले दिया था 10 राइट एंगल्स, तो हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, मैंने आपको सिखाया था n माइनस 2, याद कर लीजिए फॉर्मूला, पेज नंबर 155 पे आपको लिखा हुआ है, दोबारा बताया था पेज नंबर 155 पे लिखा हुआ है, डिटेल भी दी हुई है उसकी, ठीक है, बाकी आप याद कर लीजिए, ये होता है इक्वल्स टू 720 डिग्री। अब आपको पता चलेगा कि इस टाइप की कैलकुलेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है। एक तरीका तो ये है कि आप पहले इसको दोनों से मल्टीप्लाई करें फिर सॉल्व करें, एक तरीका ये है कि इजी वाला जो हमने पहले किया था, पहले हम उसको वो करने से पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका इस पूरे के साथ रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको बॉर्डर पार करा देंगे, 72 डिग्री ये हो गया ऐसे अपॉन में 180, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब 18 के टेबल में कितने में आता है? 4 4 8 32 का 2 4 1 4 5 6 7, ठीक है 4 पे आता है, 4 पे। सो n माइनस 2 कितना हो गया, ब्रैकेट को खोल सकते हो अब आप, 4 हो गया। सो n कितना हो गया बच्चों? 4, 2 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल्स टू 6, हैंस टोटल साइड्स कितनी हो गई बच्चों? 6, ये आपका आंसर हो गया। सी पार्ट देखिए बच्चों, 1620 सम है, तो मैंने इसको रब नहीं करा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन कितना होता है, बस इसको रब कर देते हैं, ये इस बार हमें दिया हुआ है 1620 डिग्री। सो फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला यही होता है, किसके बराबर है? 1620 डिग्री। सो n माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? ये पूरा का पूरा वहाँ उठा के भेज दो इसको, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो हमें समझ नहीं आ रहा किससे कटेगा, तो एंड में 2 है, एंड में 8 है, तो बेसिकली 2 से कट जाएगा और 6 7 8 9 3 से भी कट जाएगा, 8 और 1 9 3 के टेबल में आता है, 6 7 8 9 3 के टेबल में आता है, तो 3 6 18 और 3 5 15 वन कैरी आ गया, 3 4 12, अब ये हो जाएगा हमारा 7 8 नहीं 6 में नहीं आएगा, किस में आएगा बच्चों? ये
हाँ छः में आता है यार, मुझे क्या हो गया, मुझे टेबल नहीं आ रहा आज। 6 9 54, सो एन माइनस टू कितना हो गया 9। कभी कभी तो दिमाग काम ही नहीं करता है बच्चों। ये हो गया हमारा 9 2 11, ठीक है। सो टोटल साइड्स कितनी हो जाएंगी बच्चों यहाँ पे 11। ये आपका आंसर हो गया, ये लो 11 है, ये 11 कहीं समझ पता नहीं सर क्या लिख दिया, ये 11 है बच्चों 11, ठीक है। चलिए सी पार्ट हो गया। चलिए तो डी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है, 540 दिया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन कितना दिया हुआ है हमें, 540, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला ये होता है। तो ये 540 के बराबर हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, एन माइनस टू यहाँ पे लिखा रहे हैं, दो ऐसे ही 180 को बड़ा पा करा देंगे। सो 540 अपॉन में 180, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब 8 के टेबल में 54 आता है, 4 8 32, 2 3 4 कम 4 5 नहीं आता, अब उसमें ही करेंगे 18 3 8 24, 3 में आता है बच्चों 18 3, ठीक है। सो एन माइनस टू ब्रैकेट खोल दो 3, सो एन कितना हो जाएगा बच्चों 3 + 2 = 5, हैंस टोटल साइड्स, ठीक है, कितनी जाएंगी 5। आप बताओ कितना आसान है, इससे आसान है कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट।